नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। पोलकर भगिनियों का तो हमने नाम सुना होता है, जुडित पोलकर, सुजान पोलकर और एक उनकी भगिनी, तीन थी बहनें। लेकिन वेरा मेंचिक का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। वेरा मेंचिन, इनका जन्म रशिया में हुआ, सोवियत यूनियन में, लेकिन वो बाद में जेकोस्लोवाकिया और फिर यूनाइटेड किंगडम में लंदन में जाके बसी। उनका जन्म 16 फरवरी 1906 में हुआ था मॉस्को में, और 27 जून 1944 को 38 साल के उम्र में डेथ हो गई। वो भी ऐसे हो गए कि उनके घर पर एक बम गिरा और वो और इनकी सिस्टर वोल्गा और इनकी माँ, तीनों वो बॉम्ब ब्लास्ट में तीनों की मृत्यु हो गई। और जो ये वेरा मेंचिक है, ये 1927 से 1944 तक, 1927 to 44, इतने साल ये वर्ल्ड वुमन चैंपियन थी। किसी को पता नहीं है, वर्ल्ड वुमन चैंपियन थी। और ये शुरू में जब मतलब बहुत अच्छा चेस खेलती थी, लेकिन सोवियत यूनियन में, और जब लंदन में गई तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो पहले थोड़ा क्लब में शर्माती थी, तो थोड़ी पीछे पड़ गई। लेकिन बाद में उसने थोड़ी अंग्रेजी सीख के वगैरह थोड़ा बोल्डनेस लाया अपने अंदर और वर्ल्ड चैंपियन रही। तो इनका हम लोग एक गेम देखने वाले हैं जो 1932 में खेला हुआ गेम है। ये खेल शुरू करने के पहले मैं एक और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फिलिडोर नाम के जो ग्रेट चेस प्लेयर थे, जिनके नाम से एक फिलिडोर डिफेंस करके उपदिंग है, उनकी मृत्यु हुई 1795 साल में। मतलब उनके मृत्यु को 225 साल हो गए। तो चेस की उन्होंने एक रणनीति बनाई थी ऐसे कि पहले सेंटर का कंट्रोल लेने का, सेंटर का कंट्रोल के बाद अपोनेंट को देखने का कि कौन सी तरह वो कैसल करता है, उसको पहले कैसल करने देने का, और उसके बाद उसके ऑपोजिट कैसल करने का, और फिर पॉन का स्टॉर्म बना के धुआं उसका उड़ा देने का। तो लोग बहुत हैरान हुए थे रणनीति से, लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, फिर धीरे धीरे मिल गया। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे रोके पॉन स्टॉर्म को। तो ये गेम भी जो है वो अपोजिट साइड कैसल किया हुआ है, और पॉन स्टॉर्म भी इसके अंदर है। d4 knight f6 c4 g6, और ये गेम भी 1932 साल में खेला हुआ गेम है, बहुत पुराना गेम है। तो जो मूव होती है वो आज भी ऐसी ही होती है, knight c3 bishop g7 e4 d3, और इसने f3 खेला। आजकल बहुत सारे लोग f4 खेलते हैं और ये चारों पॉन एक रैंक के ऊपर लेके आते हैं, तो वो भी मूव है। लेकिन इस मूव से मालूम नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि बिशप भी इस डायगोनल पे फ्री हो जाता है। हाँ, थोड़ा डेवलपमेंट के लिए अच्छी लगती है। f3 खेला, ब्लैक ने कैसल किया, बस वाइट यही देखता था कि ब्लैक अभी इसने शॉर्ट कैसल किया, तो अभी वाइट लॉन्ग करने वाला है। बिशप टू e3, e5, नाइट e2, b6, ये भी साइड फियांचेटो करना चाहता है, बिशप ए डायगोनल पे लाना चाहता है। क्वीन टू d2, अभी क्वीन को d2 के दो उद्देश्य है, एक तो ये बिशप अभी h6 पे वो लाना चाहता है, और इस बिशप को उड़ाना चाहता है। फियांचेटो का इम्पोर्टेंट रणनीति ये रहती है कि ये बिशप को कैसे भी करके निकाल देने का बीच में का। और दूसरा इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इसने कैसल के लिए यहाँ पे रास्ता साफ कर दिया, मतलब लॉन्ग कैसल अभी किंग कर सकता है। नाइट सी सिक्स
D5, अभी D5 पे उसके पॉन लगे, इसने सेंटर ब्लॉक कर दिया पूरा। सेंटर में ज्यादा अभी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। Knight to E7, G4, पॉन स्टॉर्म चालू गया। अभी तो ये तो साफ है कि ये तो लॉन्ग कैसल करना चाहते हैं। दूसरे बिशप को भी डेवलप करने के लिए अभी यही डायगोनल बचा है, तो इसने पॉन ऊपर लेके हो बिशप के लिए भी जगह बनाई। Knight D7, Rook to G1, रुक अभी जी फाइल पे लेके किंग के बिल्कुल नीचे, और धीरे धीरे वो ये करना चाहेगा कि ये फाइल ओपन हो। A5, इसने भी यहां से स्टॉर्म चालू किया, लेकिन वो लेट हो गया थोड़ा सा। लॉन्ग कैसल, Knight C5, Knight G3, Bishop D7, H4, A4, ये भी पॉन ब्लैक आगे आगे ला रहा है। H5, Queen to B6, Bishop H6, बिशप इसने H6 पे लाया, और अभी इसको मारना पड़ेगा बिशप को, नहीं तो रुक चला जाएगा। लेकिन कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि बिशप H8 पे लेना वो अच्छा रहेगा ज़्यादा, बिशप अच्छे डायगोनल पे बैठा है, प्रोटेक्शन कर रहा है कैसल का, रुक को जाने दे। Queen A7, इसने डबल किया फोर्स, यहाँ पे बैटरी बनाई। ए फाइल के ऊपर ब्लैक अटैक करना चाहता है, Bishop cross G7, King cross G7, Knight to F5। अभी नाइट ए बीच में डाल के ये करना चाहता है कि जी फाइल ओपन करना चाहता है कैसे भी, तो नाइट को इसने बीच में डाल दिया। पॉन से अगर वो मारता है तो जी फाइल सेमी ओपन हो जाते हैं। अभी Knight cross F5 और Pawn cross F5 था, तो पॉन से अगर वो मारता है तो ब्लैक या तो मटेरियल लूज करता है या मेट ही हो जाता है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बहुत सारे, क्योंकि मूव है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। इस तरह से क्वीन यहाँ पे आती है, चेक देते हैं, हाँ, और बाद में किंग कई भी इसने मूव किया कि नाइट चला जाता है, हाँ, ये तो मटेरियल गया, फिर मेट होने की भी संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। तो Knight cross E5 इसने किया, G cross F5, अभी देखिए अभी जी फाइल ओपन हो गई, ब्लैक का पॉन है मतलब उसको ओपन ही बोलते हैं फाइल, क्योंकि उसको मार सकते हैं ना ब्लैक के पॉन को। A3, इसने यहाँ पे अटैक अपना रखा है, F6 एंड चेक, King to H6, Queen to H6, A cross B2 चेक, King to B1। अभी क्या है, अटैक है A2 पॉन के ऊपर, लेकिन ये नाइट है तो वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, और क्वीन से समझो मारा इसने ये पॉन, नाइट से मारा, रूक से मारा, फिर किंग से मारा, लेकिन ये पॉन फिर भी आगे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे रूक बैठा है, तो ज़्यादा कुछ धोखा नहीं है वहाँ पे। रूक इसने G8 पे लिया क्योंकि एक क्वीन अगर G7 पे जाती है तो चेकमेट ही हो जाता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूक यहाँ पे लिया। H cross G6, F cross G6, Queen cross H7, तो सीधा क्वीन से यहाँ पे क्वीन सैक्रिफाइस कर दी उसने, क्योंकि मेट ही होने जा रहा है। King cross H7, Rook to H1 चेक, Bishop to H3 बीच में आएगा, थोड़ा सा रोकेगा, Rook cross H3 एंड चेकमेट। तो इस तरह से चेकमेट हुआ, इस तरह से इसने रणनीति एक अपनाई कि उल्टी बाजू को कैसल करने का, सेंटर का कंट्रोल लेने का और पॉन स्टॉर्म से अटैक करने का। ये फिलिडोर की एक्चुअली रणनीति है। तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहे।